ले रिकॉर्ड इस क्या बता रहे थे ये शाम में ले लेना ठीक है नहीं ओपन हो रहा है नहीं कौन मंडे ये मंडे वाला तो होगा ओपन ओपन ही नहीं हो रहा है हो जाएगा ओपन वो कर लो तब देखो आइडियल गैस है और रियल गैस तो आइडियल गैस कब कहलाएगा आइडियल गैस ए गैस इज रेड टू बी आइडियल इफ पहला पॉइंट कुछ पॉइंट आइडियल गैस के लिए कुछ पॉइंट पहले हम लिखेंगे पॉइंट पहले याद रखेंगे ठीक है कहाँ लिखोगे चलिए लिखे इसमें गैस इज सेट टू बी आइडियल इफ हो गया कोई गैस आइडियल कहलाएगा अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच ना तो कोई इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो और ना ही कोई इंटर मॉलिक्यूलर रिपल्सन ना तो कोई अट्रैक्शन हो ना नहीं कंप्लीट नो जीरो ठीक है इसलिए आइडियल ठीक है दे आर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction or repulsion ठीक है there does not exist any intermolecular force of attraction or repulsion between molecules पहला ये अभी सब कुछ संदिग्ध हो रहा है सब यहाँ भी गया है इधर का आइसक्रीम खाया है बहुत आसान बड़ा दिखाई है वो उसको संदिग्ध काफी सब बोल रहा है हेलो आई थिंक नहीं सर नहीं नहीं हम आइसक्रीम नहीं खाते अरे कल हम गए थे हमारा चिलवा था वो घर बनाया था उसके अगले प्रवेश था बड़ी बढ़िया घर बनाया वो था विद्यार्थी हमारा 1997 के बैच का घर बनाया लगभग 2 करोड़ रुपया उसको खर्चा है घर बनाने बड़े बहुत है अथी है आई टी बॉम्बे से किया हुआ 2 करोड़ लगभग खर्चा है उसके घर पे पूरा घर घुमाया पूरा फोन कर दिया कि सर जरूर आइएगा अगर चलता है वो हम तो सोच रहे ना आप आए जरूर बच्चा तो वैसा बनाया खुशी की बात यही तो अच्छा बात बहुत चीज लगाया है उसपे इंजीनियर्स को तो बहुत बुद्धि है ना मतलब सब ज्ञान है ना इतना फंक्शन लगाया हुआ है उस घर पे क्योंकि रे तो तू ही सब इस घर में रह सकता हम तो पता हो जाएंगे उस समय था कंप्यूटर साइंस में था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल लेकिन तब भी कंप्यूटर साइंस का जॉब कर रहा है बहुत ज्यादा नंबर पैसा देता अभी यहाँ न्यू जर्सी अब यही चलाया विदेश में रहने वाला हम सबको सिखाते रहते विदेश में ना वो सब यहाँ की करेंगे पहल का तो ऐसा कंपनी खोलेगा क्या करेगा सॉफ्टवेयर का
हमारा बैंगलोर जो है वो न्यू जर्सी होने जा रहा है, न्यू बता रहा था सर, बैंगलोर को हम लोग पूरे IIT मिलकर न्यू जर्सी बनाना चाह रहे हैं। सिलिकॉन सिटी है ना, वही सब ना आएगा तो यहाँ सॉफ्टवेयर का रोजगार बढ़िया बढ़िया मिले, तो रुपया कमा के रख ले 200-400 करोड़। अरे उस सब का जितना भी कंपनी है अमेरिका का लीडिंग कंपनी, अब ये क्या करता है IIT जो भी बाहर गया वो सब क्या करता है कि अब कोई IIT ही क्यों CEO बन जाता है, वो सब बार्गेनिंग जब होता है जॉब का तो उसमें पहले तो सैलरी बढ़ गया, उसके बाद उससे हुआ काबिलियत के बाद वो लोग बार्गेनिंग करना शुरू करता है, इतना परसेंट शेयर हमारा, इतना परसेंट उस सबका कंपनी में सब में शेयर है, उसका प्रॉफिट जो आता है उस सबको आता है, सैलरी केवल नहीं होता सबके, बहुत जोगाड़ है, तो बहुत रिसर्च वगैरह किया है सारा काम सब, उस सबका मेहनत है, बोनस मिलता हो कमी है रुपया कोनो कमी नहीं, कहे तो जब घर जब बनाया है सबको लगा 2 करोड़ से कम नहीं लागत है, सारा फैसिलिटी था उसपे, क्योंकि तू इसमें सूत गई है नहा लिए, तू कथी नहावे तोरा तो भर दिन काम रहो, तू तोड़ दिया पता सूत आराम कर तू ओड़ा से पढ़ा मुझे ठीक है स्विमिंग पूल लगभग 7-8 कट्ठा था, मकान 8 कट्ठा में था, कैंपस ऊपर था, बीचों मकान का पंगला बहुत बढ़िया अच्छा लगा, तो उस सब परिवार है जमींदार है, जमीन उसको खरीदने का काम नहीं था, वो इसे ही बोल जमीन बढ़िया परिवार का पहले से जमींदार सब, अरे ओकरा सबके जब देखिए क्या है होता है, वो बहुत सब परिवार साउंड है फिर भी वो बच्चा सब डेवलप किया, बहुत जो परिवार है जिसके घर में अच्छा खासा व्यवस्था रहता है ओकरा दिया बुदा सब लुहेर हो जाता, तरह तरह का बात है, तो अपन अपन भाग्य पारस है सबको जिसको जो मिलता है, क्या सर कमे वाला लड़का सब था, वह पहलका लड़का सब हम लोगों का बात एकदम पालन करता था, क्योंकि तो वह रह जाए ना ना आप चले आएंगे, हमको याद है कि हम कभी नहीं रह सकते विदेश में, तो सबको पहले कहते थे गए विदेश जाना तो लूट के खाली ले आना, वहां रहना नहीं, वहां रहने के बाद कल्चर खड़ा हो जाता है, अब ओकर धिया पोता के कहाँ जाएगा, कहाँ ब्याह होगा, कहाँ दान होगा, पर वन से खत्म है, हमको फॉरेन कंट्री नहीं सुहाता, फॉरेन कंट्री जाइए लेइए आ जाइए अपना कंपनी वंपनी यहाँ खोलिए, कुछ यहाँ के दिया पुता को भी रोजगार मिलेगा, हो गया बात, वहां रहे कभी करेगा अंग्रेजी के बंदा जापानी बोलते दूसरा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज जीरो, आइडियल गैस जब होगा, आइडियल गैस जब होगा तो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई नहीं होगा, दूसरा पॉइंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज जीरो, अब देखो ना क्या कहीं वॉल्यूम जीरो होगा कि अगर कोई एंटिटी है तो उसका तो वॉल्यूम कुछ होगा ही, लेकिन कहता आइडियल गैस उसी को मानेंगे जिसका वॉल्यूम जीरो, माने संभव नहीं है, आइडियल गैस ये है, हम हमारे पास जो गैस है वो रियल गैस है, उस गैस के थ्रू हम उस कंडीशन में कैसे पहुंचे, कल हम बताया था यही हमारा साइंस, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल से जीरो, ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि गैस प्रेशर उत्पन्न करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, तो गैस इस घर में रखा हुआ है, प्रेशर क्यों क्रिएट करेगा, ये टकराता है बर्तन की दीवार से,
वॉल ऑफ द वेसल्स द गैस प्रेशर क्रिएट करता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर. ठीक है, गैसेज एग्जर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स विथ द वॉल ऑफ कंटेनर. ना कोलाइड क्या नहीं करेगा, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है वो चल रहा है. अब तू चल रहा है तो रोकने वाला कोई नहीं है, उसको देना पड़ेगा. तो हर थर्मल एनर्जी का नेचर है इधर. ठीक है, हो गया. चौथा पॉइंट, गैस आइडियल होगा अगर उस पर कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, माने एमजी काम नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम उस पर नहीं करेगा. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अभी पहले जो बोल है उसको सीखो, सिक्स ऑफ रियल गैस पर आ जाएंगे. रियल गैस पर भी जब पॉक लेंगे तब आएंगे गैस पर, कोई इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं. ठीक है, रियल गैस पर भी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता उसका. ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगरबत्ती जलाते गैस ऊपर जाता, सभी गैस ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे नहीं आता. समझ के बाद देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसियस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है. परफेक्टली माने मोमेंटम और एनर्जी क्या होगा, कंजर्व. ठीक है, और द कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब हो गया रीगेन कर लेता, एनर्जी रीगेन करता है, मोमेंटम रीगेन करता है. ठीक है, माने कंजर्वेशन होता है किसका, एनर्जी का, मोमेंटम का. ठीक है, छठा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन द टोटल available, total available free space to move. ठीक है, किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम वो होगा जो टोटल अवेलेबल फ्री स्पेस है मॉलिक्यूल्स को मूव कर, टू मूव मॉलिक्यूल्स. ओपन में रहेगा तो क्या होगा, पूरा एटमॉस्फेयर उसका फॉलो. हो गया, कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम कोई एक पर्सन लिए, इसमें गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल, तो गैस का अपना वॉल्यूम मॉलिक्यूल का तो जीरो है, माने वॉल्यूम कितना वॉल्यूम बढ़ा, पूरे बर्तन का वॉल्यूम. इसीलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. कौन गैस, आइडियल गैस. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. हो गया, क्या है गैस का वॉल्यूम, क्या किसको कह रहे हैं, माना जाएगा लाइन को पढ़िए, गैस का वॉल्यूम किसको कहे हैं, नहीं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को कब कहे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इट इज द टोटल अवेलेबल फ्री स्पेस. वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस द टोटल अवेलेबल फ्री स्पेस टू मूव फ्रीली, टू मूव मॉलिक्यूल्स फ्रीली, टू मूव मॉलिक्यूल्स फ्रीली. ठीक है,
एक बार बताइए हम किसी माने वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस होगा कि वह वॉल्यूम जिसमें गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली घूम रहा है। हम किसी बर्तन में रखेंगे तो उसमें गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली घूमेगा, तो बर्तन का वॉल्यूम बनेगा गैस का। ठीक है, आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात करो। बात समझ में बात, अब वो बाद में सोचेंगे, भले अभी एक चीज को पकड़े। ठीक है, एक चीज जब पकड़ाएगा तो भी होगा। हाँ, आइडियल गैस एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, ये समझेंगे तब फिर इसी के सहारे रियल पर जाएंगे। अब एक बार बताओ, रियल गैस तो अभी ये समझ ले थोड़ा सा, रियल गैस का वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ होगा, उसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो जीरो नहीं होगा, तो क्या वो फ्रीली मूव कर सकता है पूरे बर्तन में? तो उसका वॉल्यूम क्या होगा पूरे बर्तन का वॉल्यूम माइनस गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम? कहेगा कि नहीं कहेगा? कॉन्सेप्ट ये है, इसके थ्रू ही हम वहां पर पहुंचे। ठीक है, तो कोई गैस आइडियल होगा अगर ये सारा पॉइंट वो फॉलो करे। ठीक है, एक दो पॉइंट और दिखा देते हैं, पहले लिखिए, लिख लिए। पर हम प्रेशर लगा रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर, तो बर्तन को भी तो दबा रहे, समझ रहे बात? हो गया, दो पॉइंट जो है वही गड़बड़ पॉइंट। पहला कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और दूसरा कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज जीरो। इसी दो पॉइंट के कारण हमको रियल गैस का कॉन्सेप्ट पड़ता पड़ता है। लेकिन हाँ, आइडियल गैस वही होगा जो इस सारा पॉइंट को फॉलो करेगा, ये बात तय है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या, पॉइंट क्या हो गया? सातवां हम लिख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। अभी हम इसके आगे पॉइंट अभी नहीं लिखेंगे, आएगा पॉइंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए अभी गैस को हमको शुरू करने के लिए इतना पॉइंट पहले जानना जरूरी था। ठीक है, क्या क्या था जानना जरूरी? कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, गैस का मॉलिक्यूल जो है उसका वॉल्यूम जीरो होगा। ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्यों? तो मॉलिक्यूल घूमता रहता है, घूमते घूमते बर्तन के दीवार से टकराता है, और टकराने के कारण प्रेशर प्रोड्यूस होता है इस कोलिजन के कारण। ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, ऐसा नहीं कि टकराने गया तो रिटर्न हुआ उसी काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, समझ गए बात? तो इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, ये सारा बात गैस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा? The volume of gas is the total available free space required to move freely. ठीक है? और इस कॉन्सेप्ट को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये आता है, क्या आता है? कि volume of container is the volume of ideal gas. ठीक? गैस को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? बेटा देखो, आइडियल गैस या कोई भी गैस, गैस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पहला अमाउंट ऑफ गैस जिसको मोल में एक्सप्रेस करते हैं, अमाउंट ऑफ गैस जिसको एक्सप्रेस करते हैं मोल। ठीक, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, चौथा वॉल्यूम। ठीक है, गैस को हम कैरेक्टराइज करते हैं किससे? मोल अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर और प्रेशर के अभाव। ठीक, अगर हम कहते हैं कि ये गैस है तो हमको वहां कहना पड़ेगा कितना मोल गैस है, कितना टेम्परेचर पर है।
कितना प्रेशर बढ़ा है और कितना बढ़ा है, तब हम उस गैस को करेक्टराइज कर पाएंगे। हाँ यह गैस मैंने, अब एक बार बताइए आपको कैसे करेक्टराइज किया जाता है, आप इनके लड़के घर कहाँ है, ऐसे ही गैस को कैसे करेक्टराइज करेंगे। अब ऑक्सीजन गैस है तो हर जगह ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन लिक्विड के रूप में भी है तो सफिशिएंट को मिलता है, तो कैसे करेक्टराइज करेंगे कि उसका कितना मोल है, अमाउंट कितना है, टेम्परेचर क्या है उस परिस्थिति, उस परिस्थिति में उसका प्रेशर क्या है, उस परिस्थिति में उसका वॉल्यूम क्या है। ये गैस का एक परिस्थिति हुआ, उसी का फिर दूसरा परिस्थिति भी हो सकता है, ऐसी एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में कैसे जाएंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, यही चीज के लिए हमको इस चैप्टर को। जैसे हम लोग गैस भर देते हैं गाड़ी के टायर में, चलते चलते टायर बर्स्ट कर जाता है, एक परिस्थिति में टायर में हवा भरे तो बड़ा अच्छा था, चलते चलते कुछ दूसरी परिस्थिति बन गई वो फट गया, ठीक है। तो इसलिए गैस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फलाना तीन चार चीज, तो ये जो चार चीज है ये गैस के स्टेट को बताता है कि अभी ये गैस किस अवस्था में, ये गैस फिर अगले क्षण किस अवस्था में जा रहा, इसी को हमको एनालिसिस करना है, ठीक है। यही बात हमको एनालाइज करना है इस पूरे चैप्टर में, बड़ा बढ़िया चैप्टर है, बड़ा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, खाली न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ साथ, ठीक है। तो गैस को कैरेक्टराइज करेंगे अमाउंट से, तो मोल का पढ़ लिए, टेम्परेचर के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, टेम्परेचर का अभी हमको खाली यूनिट, टेम्परेचर क्या है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कि यह वस्तु हाई टेम्परेचर पर है या लो टेम्परेचर पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसके मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम है। धीरे धीरे जब दोनों हाई टेम्परेचर वाले बॉडी और लो टेम्परेचर वाले बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो हाई टेम्परेचर वाले बॉडी का टेम्परेचर घटता है और इसका टेम्परेचर बढ़ता है। ये किस कारण होता है, एक क्वांटिटी है हीट, हीट व्हाट इज हीट, अब व्हाट इज हीट, हीट इज अ क्वांटिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द टेम्परेचर एंड दैट क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स एनर्जी, उसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चर्चा करें, ठीक है। अभी हमको हीट फिट से नहीं मतलब है, हमको अभी टेम्परेचर से मतलब है, टेम्परेचर को से भी मतलब है तो उसके यूनिट से मतलब, तो इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, ये सब होता है, तो हमको उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए, डिग्री सेल्सियस बाय 5 बराबर डिग्री केल्विन बाय 273 होगा, अरे समझिए बात, डिग्री सेल्सियस बाय 5, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, सेल्सियस का दिया है 273, अच्छा उसके बाद आता है क्या, फारेनहाइट, F-32 बाय 9, ठीक है। जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 5 डिग्री, अरे ठीक लिखे कि नहीं, देख हाँ हाँ एक बार देख लो, ये तो होगा केल्विन माइनस 273 बटा 5, ठीक ये हो, ठीक है, अरे समझ गए बात, केल्विन माइनस 273 बाय 5, और भी यूनिट होता है रैंकिन रूमर, इस सब के फिजिक्स में बदलाव है, ठीक है, हमको इतना ही से बदलाव है। अब इस सारा बात का कैसे यूज करेंगे, ये सब बचपन से हमको पढ़ते आते रहते हैं, x डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है केल्विन में बदलता है x प्लस में बदलता है, अरे देखो तो 5-5 कट गया, ये 273 कैसे जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर केल्विन, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है 5 प्लस 273 बराबर 278 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 10 प्लस 273 283 केल्विन, अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें 273 घटा देंगे तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, अगर 500 केल्विन है तो 500 माइनस 273 हो जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में, फारेनहाइट वारेनहाइट वाला देता नहीं है लेकिन तब जानना चाहिए, फारेनहाइट वाला चाहिए बता, ठीक है, कैसे बदलेंगे,
डिग्री सेल्सियस बाय 5 बराबर है 0.35 बाय 9 इससे हम फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस से बदल लेंगे या डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल लेंगे। हालांकि सारा सवाल ज्यादातर हमको केल्विन में करना होगा। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में अभी अभी जान लिए है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, उस पॉइंट में ही हम समझ गए हैं। लेकिन इसका भी हमको यूनिट चाहिए। यूनिट के बारे में हम लोग खूब चर्चा मोल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, वैसे अभी हम फिर से कर लेते हैं। यूनिट का वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है हमारा मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, स्पेशल यूनिट होता है लीटर। तो एक लीटर बराबर क्या होता है? एक लीटर बराबर होता है 10^-3 मीटर क्यूब। एक लीटर बराबर 10^-3 मीटर क्यूब होता है, एकदम याद रखना होगा। ठीक है, 1/10 मीटर लंबाई, 1/10 मीटर चौड़ाई, 1/10 मीटर ऊंचाई, 1/10 × 1/10 × 1/10 इसको कहा जाता है एक लीटर। ठीक है, अरे समझिए, ये दिमाग में रहेगा। कन्वर्सन तो एकदम दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बताया जाए ताकि याद आ जाए। ठीक है, और 10^-3 मीटर क्यूब है। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो तो यहाँ मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर 10^-3 × 10^6 बोलो होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। और उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब को ही हम कहते हैं मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या कहते हैं? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को ही कहा जाता है क्या? मिलीलीटर। ठीक है, और उसके बाद ये 1 लीटर किसको कहते हैं? 1/10 मीटर × 1/10 मीटर × 1/10 मीटर 1/10 मीटर को क्या कहा जाता है? डेसीमीटर। तो 1 decimeter × 1 decimeter × 1 decimeter इसको कहेंगे 1 decimeter cube। ये कन्वर्जन यूनिट जरूर याद आना चाहिए इस टाइम। ठीक है, उसके बाद अगर इसी से तुम एक बात कर लो, 1 liter बराबर होगा 10^-3 मीटर क्यूब। 1 meter क्यूब बराबर क्या होगा? 1000 लीटर। बोलो होगा, होगा कि नहीं होगा? लीटर को ही क्या कहे? डेसीमीटर क्यूब। तो सीधा कहते हैं 1000 decimeter क्यूब, ये भी तो हो सकता है। अरे इधर से उधर कर लो, उधर से इधर, कन्वर्जन केवल हमारे दिमाग में रहना चाहिए एनी टाइम। ठीक है, यहाँ से आवाज हर चैप्टर में जाता है। हाँ, प्रेशर बताएंगे, प्रेशर में ज्यादा बात करता है, प्रेशर में तो बहुत बात करता है। ठीक है, पहले हम अभी वॉल्यूम टेम्परेचर हल्का फुल्का से वो ठीक कर ले। ये दिमाग में आ गया? अभी ये सब मोल कॉन्सेप्ट भी बताए हुए। लेकिन अब प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर में बहुत बात है। ठीक है, प्रेशर का जो खेला इस सवाल में इस पर कौन था? लगभग सेम है, ज्यादा डिफरेंस आपको जेई लेवल तक उसका डिफरेंस नहीं करता। ठीक, यही लेवल के बाद डिफरेंस करना हुआ आईटी में जाने के बाद। एसटीपी और एनटीपी में क्या डिफरेंस? अभी वो डिफरेंस दिमाग में लाएगा तो पढ़ने में फालतू का सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी दिमाग को उतना ही बात करता है जितना आपको जरूरत है उतना ही रखने में, तो बता अपना बता हो गया। अब हमको आते हैं प्रेशर।
मोल कंसेप्ट बेबियम प्रेशर के बारे में बताए थे, फिर अभी भी बताएंगे और उस समय से ज्यादा बताएंगे। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। एरिया क्या होता है? परपेंडिकुलर एरिया। प्रेशर का एरिया, प्रेशर हाँ ये वह एरिया जिस पर फोर्स परपेंडिकुलर, दैट एरिया, ठीक है, उसको कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहा जाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। हाँ हाँ सर, ऐसा बोल सकते हैं एरिया मतलब फोर्स डॉट एरिया वेक्टर। अब तो तरह तरह के फिजिक्स हमारा सिखा रहा है, तरह तरह के फिजिक्स सिखा रहा है, तो प्रूव कर लो, इस लेवल पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है डॉट प्रोडक्ट से होगा तो प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया और क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको थ्रस्ट बटा एरिया भी लिख सकते हैं। एक लड़का बोल रहा है फोर्स डॉट एरिया हो सकता है कि नहीं, तो थोड़ा देखो सोच के तू दो। ठीक आ जाए, वो करने का वो है बड़ा होशियार, कुछ कुछ सोचा होगा। क्या सोचा है जी? ओह मेरा दिल उस पर सोचे। हाँ सर, जब कोई भी चीज़ फिजिकली इफेक्ट करता है तो उसका मतलब कि ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हैं, तो इसलिए एरिया को वेक्टर साइन दिए थे फ्लक्स निकालते समय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वहाँ क्रॉस सेक्शनल हो जाता है, वहाँ भी क्रॉस सेक्शनल हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल तो वेक्टर ले लिया ले। ये सर, इसीलिए मतलब कि उसके नॉर्मल होता है तो मतलब कि एरिया वेक्टर। हमारा दिमाग आ रहा था तो उसी कारण बोल रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जब निकालते हैं तो उस समय तो ऑलरेडी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेते हैं। यस सर, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक सोचा था, ठीक सोचा। ओ अभी फिजिक्स सब पढ़ेगा ना। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रोडक्ट होता है इसका, इसको हम कहते हैं पास्कल। सर, यदि फ्लक्स है तो उसके अभी सिर्फ बीच में करता है। सिर्फ जैसा रहता है उसके भी एरिया में करता है। हां, इसी दिन तब तक उस समय तुम क्या ले सकता है उसका? इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, एसआई यूनिट हुआ प्रेशर का, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट हो गया डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को तुम बदलो डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक न्यूटन बराबर 10^5 टाइम, अब मीटर गुना मीटर 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? ये हो गया तुम्हारा 10 डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे माथे में लाना चाहिए, एक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बराबर 10 डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। प्रेशर को किसी लिक्विड कॉलम क्या है, यहां से अच्छा बात अलग बात शुरू होगा। ठीक है, वहां तक तो बच्चा वाला बात। लिक्विड कॉलम के हाइट के रूप में भी हम प्रेशर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमको कह दिया कि इस बर्तन में गैस है, कितना प्रेशर लगा रहा है, तो इतना न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हमको। इतना डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन वो कह दे सवाल में कि ये गैस उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना 50 सेंटीमीटर पानी का हाइट प्रेशर लगा है। अब तक तुमको प्रेशर को समझने के लिए पानी के हाइट का प्रेशर निकालना आना चाहिए कि नहीं? किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में अगर प्रेशर निकालना हो तो वो प्रेशर बराबर होता है एच रो जी या एच डी जी। ठीक है, कैसे निकालते थे हम पिछले दिन बताए थे। मान लेते हैं यहाँ कोई लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ ये प्रेशर कितना लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स लगाएगा एम गुना जी। यहाँ पर प्रेशर निकालना है, प्रेशर एट ए निकालना चाहते हैं, पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए।
प्रेशर एट पॉइंट ए, तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा, फोर्स अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फोर्स क्या होगा यहाँ, वेट जो लग रहा है, अब वेट यहाँ कितना लग रहा है, mg, mg अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, m, m माने क्या, मास ऑफ लिक्विड, g माने क्या, एक्सेलरेशन जो टू ग्रेविटी, मास ऑफ लिक्विड टू किसको सोच सकता है, मास, अच्छा इस पॉइंट को ए नहीं बोलो, पॉइंट को p माने, ठीक है, तो मास ऑफ लिक्विड क्या होगा, वॉल्यूम अगुना डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गुना डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम अगुना डेंसिटी रो मान लो अगुना जी अब बटा ए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो क्या सोच सकता है, अगर इसका हाइट एच है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो लेंथ गुना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एच ए रो जी बाई ए, ए कर गया एच रो जी, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास एक बात हुआ क्या, कि प्रेशर ऑफ, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, माने तुम जितना हाइट का लिक्विड यहां लिया है, अगर इतना ही हाइट का लिक्विड एक नैरो ट्यूब में ले लो, वही लिक्विड नैरो ट्यूब पे ले लो, नैरो ट्यूब पे हाइट लेकिन सेम होना चाहिए, हाइट एच ही होगा, यहाँ तो जब ही वही लिक्विड है तो डेंसिटी भी सेम होगी, जब वही लिक्विड है तो डेंसिटी भी, तो सेम लिक्विड अगर जिस हाइट में एक चौड़ा कंटेनर में लेगा तो बॉटम पॉइंट पर जितना प्रेशर लगाएगा, एक थिन कंटेनर में लेगा तो यहाँ भी प्रेशर होगा एच रो जी, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, बात समझे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, ठीक है, अब क्या लिखा है, प्रेशर बनाए, प्रेशर हाँ क्या है, ये नहीं समझ में आया, तो तू बच्चा जैसे पढ़ाना होगा, पहले लिख लीजिए फिर से एक बार समझाते हैं, मूल कॉन्सेप्ट तो नहीं था, मूल कॉन्सेप्ट पे हम बहुत बार जान बुझ के दस दस से पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, इसी समय को फास्ट करने के लिए, देखिए जो आज लोग किए हुए कितना फास्ट है, उसको हम जितना फास्ट पढ़ाएंगे उतना फास्ट पकड़ लेगा, अब उसे बता दीजिए, हाँ अब उसका दूसरा भी पकाना है आपको, समझ गया, इसे इंडिपेंडेंट हुआ है एरिया ऑफ कंटेनर से, ठीक है, यहां हम बना लेते हैं, हाइट सेम है, यहां पर प्रेशर क्या होगा एच रो जी, ठीक है, इसलिए हम याद लिखते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कंटेनर, यही को लिखते हैं, जगह नहीं है, क्या लिख देते हैं, एच बराबर हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड, रो बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान हमको याद ही रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड, समझ में आया, कितना तक समझ में आ गया है, थोड़ा समझ में आ गया बच्चा, यस सर, पकड़ लिया, ओके, अब देखो इसका हम दूसरा लोग बताते हैं, यहाँ तक तो हम बता दिए थे आपको मूल कॉन्सेप्ट में, सर तो आप नॉर्मली 9.8 लेंगे या फिर 10 लेंगे, दिया है तो जो दिया रहेगा वही लेना होगा, कर देता है वो सवाल में टेल ले लीजिए बना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा वो पॉइंट का फर्क पड़ता है।
लेकिन जब सवाल क्वेश्चन एग्जाम में पर आएगा 9.8 लेक्चर में जब तक हो गया प्रेशर का बहुत फेरा पड़ता है। यहाँ तक तो हम आपको बता दिए थे, कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता दिए थे बोल कर से। अब देखो ये एक केस है, केस हम ऐसा बना सकते हैं, जनरल केस हम ऐसा बना सकते हैं। मान लो कि ये ट्यूब तुम्हारा है, टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड है, यहां तक तुम लिक्विड रखा हुआ है। अब ये टिल्टेड हो गया, अब कहता है कि यहां पर प्रेशर कितना है इस पॉइंट पर। अरे ये ऐसे था तो यहां था ना, इस पॉइंट पर कितना है प्रेशर, बर्तन यही रख दो पूरा चौड़ा ही बना देते। कहता है इस पॉइंट पर कितना है प्रेशर, ठीक है, बिल्कुल सही, फिजिक्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन पर पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ जो mg लग रहा था ये थीटा, ये थीटा है, हमको क्या निकालना है, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है। ये देखो आप अगर इसको ड्रॉ करो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या होगा mg cos 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या होगा mg sin 90 माइनस थीटा, दिस विल बी mg sin थीटा, क्लियर है, क्लियर है। इसलिए यहाँ जो हमारा होगा फोर्स वो mg sin थीटा होगा, तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पर फोर्स क्या हो गया mg sin थीटा, तो प्रेशर क्या होगा mg sin थीटा y, ये mg sin थीटा y, ये m को क्या लिख सकते हैं v गुणा rho गुणा g sin थीटा by a, b को क्या लिख सकते हैं h गुना a गुना rho गुना g sin theta by a, ये कर दिया h sin theta into rho into g, this is the pressure, ठीक है। इसलिए इसमें हम प्रेशर क्या कह सकते थे, यहां हम प्रेशर को सीधा वर्ड में क्या लिख सकते थे सीधा प्रेशर को लिख सकते थे h सेंटीमीटर या h मीटर या h मिलीमीटर, कोई भी लेंथ का यूनिट, कोई भी हाइट का यूनिट ऑफ लिक्विड कॉलम, बोल सकते थे लिक्विड कॉलम, ऑफ लिक्विड कॉलम बोल सकते थे, लेकिन यहां क्या बोलना पड़ेगा, यहां बोलना पड़ेगा h sin थीटा ऑफ लिक्विड कॉलम, बोलो बोलेंगे। अगर प्रोफेसर कहीं लिखा हो h सेंटीमीटर ऑफ कोई लिक्विड, नाम दे दे पानी, नाम दे दे दूध, नाम दे दे किरासन का तेल, नाम दे दे मरकरी, ठीक है, h सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड का प्रेशर है, माने हम कहेंगे h गुना डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगुना g, h sin थीटा सेंटीमीटर ऑफ कोई लिक्विड है h sin थीटा गुना डेंसिटी गुना g, इसी यही जनरल फॉर्म है। अगर थीटा तो 90 रख, अरे यहां क्या है थीटा 90 है, 90 है तो यही ना sin 90 वन हो गया h, समझ गए। अगर थीटा 0 रहेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा h rho g से, h sin थीटा अगर रो बता दिए थीटा 0 ले लो, थीटा 0 ले लेगा तो प्रेशर 0, इसका मतलब ये ट्यूब कैसा है ऐसा, एक थीटा बराबर 0 डिग्री, माने ये तुम्हारा ये ट्यूब ऐसा है, यस सर, ऐसा है तो क्या तुम्हारा इस लिक्विड का कोई फोर्स इस पर लग रहा है क्या, यहां पर प्रेशर तो नहीं निकाल सकता है, तो अब यहां पर प्रेशर निकाल सकता है, समझ रहे हो, ठीक है, अरे बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए जनरल एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं h sin थीटा,
हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये जनरल एक्सप्रेशन हमारा होगा, थीटा अगर जीरो ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, थीटा इज 90 ट्यूब इज वर्टिकल, तो हम वहां लिख सकते हैं एच एच हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। यहां तक समझ में आया? बोलिए आप लोग ऑनलाइन वाले। यस सर। यस सर। सर सर यहाँ पर हम साइन थीटा लिख रहे हैं, वो जी के वजह से लिख रहे हैं ना, क्योंकि जी का कंपोनेंट चेंज हो रहा है। हाँ तो जी इफेक्ट करना है, एक्स फ्री है, और तो हम एक्स के साथ साइन थीटा लगा दिए, इसलिए कि हम हमको तो अंत में थीटा साइन थीटा रहना ही है, वो तो रह ही रहा है, वास्तविकता में तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, एक्सेलरेशन क्या पूरे फोर्स का कंपोनेंट है, एम गुना ई जी, जी इज अ फोर्स। अब फोर्स वेक्टर होता है क्यों, ड्यू टू एक्सेलरेशन। वैसे ही लोग सीधे जाएंगे किताब लेके खरीद खरीद के आनंद रहता है, बढ़ाएगा बढ़ेगा तब जब उसको फिजिक्स आए। सर प्रेशर कंटेनर के साइड फिजिक्स नहीं गड़बड़ी हो है, सीधा कुछ चल दिए क्लास में, ठीक है ये बता दिए है, अगर दिमाग क्योंकि और बाकी जो है से सब एलएलपीपी है। सर प्रेशर कंटेनर के यूनिफॉर्मिटी पे डिपेंड करेगा? नो ये सब तो दसवां पढ़ना था, कंटेनर अच्छा हो देखने में बुरा हो देखने में उससे प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा यहाँ सीधा हो थोड़ा यहाँ सलसल हो टेढ़ हो, केवल वेट पर डिपेंड करता है, क्या समझे, हाइट पर डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ प्रेशर हो गया हो गया। सब हो गया, अभी तो इसमें कहानी शुरू हुआ है, अभी तो अब तो ये इसमें जो आभा मंडल बनना ही शुरू हुआ है, गैसेस हाँ, अब दिमाग चलाना चाहिए, बहुत दिमाग चलाना होगा, बड़ा बेहतर है, आज 100 सवाल बन जाएगा बड़ा आसानी से, एन अवस्थित हलवा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले तो उसके लिए माहौल अब धीरे धीरे बन रहा है, आज तो माहौल ही बना है। कल प्रेशर का बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे, ठीक है, एक बार मान रखिएगा, काफी बेहतर बेहतर क्वेश्चन देंगे। कटकड़े हो गया? यस सर।